16C39 वाला जो ECM है, ठीक, इसे खोलते हैं। एक साइड में इसके के लिखा रहता है, जो ये लिखा हुआ है के, और दूसरी साइड में ए लिखा रहता है। तो इसके जो पिनोट्स आएंगे तो उसमें या तो फिर ए का नाम होगा या के का नाम से, मतलब K29, K30 या K10, इस तरीके से। 94 पिन इसमें है और 60 पिन इसके अंदर है। 16C39, आइए इसे खोलते हैं। इसे निकालते हैं। तो ये रहा ECM, 3 कैपेसिटर, 12 वोल्ट को जो बैटरी सारी से फिल्टर करने के लिए, ठीक है, ये भी 12 वोल्ट की होनी चाहिए। और इधर देखें हम तो ये फंक्शन IC होनी चाहिए और ये जो है वो सप्लाई IC होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पास में ये कैपेसिटर वगैरह देख रहे हैं काफ़ी, तो ये इसमें सप्लाई वाली होनी चाहिए। तो ये जो सप्लाई वाली IC है, इसका नंबर है 30622, ठीक है। और ये फंक्शन वाली IC है, इसका जो नंबर है ये TLE की है, 6244X, ठीक है जी। ये इंजेक्टर की IC हो गई, ठीक है, और इंजेक्टर MOSFET ये होना चाहिए, ठीक है, हाई साइड के लिए, और लो साइड सब में ही आएगा अकेला, ठीक है। और ये 47 वोल्ट या 48 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए, ये कॉइल फिल्टर इसके बैक साइड में सप्लाई होंगी, ये तो इस तरीके से है। और ये वाला होना चाहिए 48 डायोड 620 TG, ठीक है। करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें के 12 वोल्ट सप्लाई और फिर बाकी सप्लाइयों को। इसकी पिन ये है, ठीक है, तो इसमें पिन नंबर जिसमें 1 को सेपरेट दी गई सप्लाई, और फिर 3 और 5 ये आपस में मिल जाती हैं, 1, 3, 5, ठीक। और बाकी इधर वाली पिनें जो है 2, 4, 6, ये ग्राउंड होनी चाहिए। आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड पर रखा, ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, और ये इससे नहीं मिल रहा है, ये सेपरेट सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट की और इसको भी जाएगी अलग, तो ये दोनों मिलती हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले पिन नंबर जो इसकी 1 है, पिन नंबर 1 ये वाली पिन है, ठीक है, पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 पर देखते हैं सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पर देखिए सप्लाई जो है ये लगे हैं डायोड आपके, तो इन डायोड पर सप्लाई जानी चाहिए, और IC होती है ये TLE6244X, तो इसके ऊपर जो डायोड लगे हुए हैं इन पर 12 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। आइए देखते हैं, एक यहाँ रखा और ठीक 12 वोल्ट सप्लाई, और इसके बाद 12 वोल्ट सप्लाई, और ये सारी सप्लाइयाँ जो हैं इन डायोडों के कैथोड पर आ रही हैं, ठीक है, एनोड पर नहीं है, सब जगह कैथोड पर हैं, ये सारे के सारे ये कैथोड हैं, ठीक। तो इसके बाद जो सप्लाई है 12 वोल्ट की सप्लाई IC3062, ये है IC3062, ये बॉश की IC है, इसका डाटा वगैरह नेट पे नहीं मिलता, ठीक है। तो इसकी जो पिन नंबर 42 है वो 12 वोल्ट की पिन है,
और ये बीप की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। तो ये 12 वोल्ट लाइन आ गई और ये जाती है पिन नंबर 42 पर। तो ये आईसी की पिन नंबर 42 सप्लाई की पिन है। ठीक, अब इसके बाद आपकी ये पिन्स आ जाती नीचे 3 और 5। 3 और 5 हम देखें ये होल। अब ये 3 और 5 जो है, सबसे पहले तो आगे देखें हम, 35 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं। 35 वोल्ट कैपेसिटर लगे हैं 470UF के, 35 वोल्ट 35 वोल्ट के। तो ये 1 2 3 लगे हुए हैं। ये तीनों कैपेसिटर जो हैं इस सप्लाई को फिल्टर करेंगे। आप देख लीजिए, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3। ठीक है, 1 2 और ये 3। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और यही सप्लाई जाती है आपकी यहाँ पर भी। और ये है T620 यानी कि 48 वोल्ट वाला डायोड इन सारी पिनों पर। ठीक, और इधर भी। अब हम, ये तो बात थी 12 वोल्ट की। अब देखते हैं कि ये सप्लाई काय की है। सबसे पहले ये वाली सप्लाई, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। ये वाली सप्लाई 2.6 वोल्ट सप्लाई है और ये वाली सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई। 3.3, 2.6 और 5 वोल्ट। और ये तीनों सप्लाई कहाँ से आती हैं? यहाँ से, इस आईसी से। ये आईसी बनाती है सप्लाइयों को। जैसे ये है,